अस्सलामुअलैकुम बानो के किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए कश्मीरी चाय की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम ग्रीन टी से कश्मीरी चाय बनाएंगे। ये 2 चम्मच ग्रीन टी, 7 सब्ज़ इलायची, 2 अदद ये दालचीनी, ये गार्निश के लिए पिस्ते और बादाम। आइए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये 3 गिलास पानी लिया मैंने, इसको हम चूल्हे पर रखते हैं, ठंडा पानी लिया है। इसके अंदर ये ग्रीन टी ऐड करें और इसको दालचीनी और हरी इलायची ऐड करें। अब इसको पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, अब ये ग्रीन टी हमने पानी के अंदर और इलायची और दालचीनी ऐड कर दी है। अब इसको इतना पकाएंगे कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके अंदर हम फिर से दोबारा ठंडा पानी डालेंगे। इसी तरह 2-3 बार करेंगे, तो उसके बाद ग्रीन टी तैयार होगी और ये कश्मीरी चाय तैयार हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, हमने 3 गिलास पानी के अंदर 2 से 2.5 चम्मच ग्रीन टी के डाले थे और 6-7 इलायचियाँ और 2 टुकड़े दालचीनी के। अब ये पानी पका के पानी हमने इतना खुश कर लिया, इसको हिलाते रहें बीच बीच में। अब इसके अंदर हम 3 गिलास ठंडा पानी ऐड करेंगे। अगर बर्फ़ वाला पानी हो यख ठंडा तो वो ऐड करें। मेरे पास बर्फ़ वाला ठंडा पानी नहीं है, काफ़ी हद तक ये ठंडा पानी है, तो मैंने ये इसके अंदर डाला है। अब इसको हम फिर पकाएंगे, फिर जब इसका पानी खुश करेंगे फिर इसके अंदर हम ठंडा पानी डाल के फिर इसको हम निकाल लेंगे, छान लेंगे, फिर इसके आगे बताऊंगी। अगर हमने इसके अंदर ग्रीन टी का पहले वाला पानी खुश्क हो गया था, अब फिर हमने इसके अंदर 3 गिलास ठंडा पानी और डाला था। अब इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून ये बेकिंग सोडा डालेंगे। उसके बाद इसको पकाएंगे, फिर एक दफ़ा फिर पका के फिर ठंडा पानी डालेंगे। बस ये हमने दूसरी दफ़ा ठंडा पानी डाला था, 3 गिलास, फिर हमने इसको पकाया। उसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडा बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, इसके बगैर ग्रीन ये कश्मीरी चाय नहीं बनती। अभी उसके बाद हम फिर ठंडा पानी डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। ये 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड किया है और अभी फिर हम ठंडा पानी ऐड करेंगे। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत भी होती है, इसलिए ये आप काफ़ी सारी बना कर फ्रिज के अंदर रख लें। जब आपको इसकी ज़रूरत हो या दिल करे कि अभी हम कश्मीरी चाय पिए, तो आप दूध को उबाल के और इसके अंदर कश्मीरी चाय डालें और पी लें। अगर आपके जिसमें कहीं दर्द है या आपके सर में दर्द है, थकावट है, तो उस वक्त भी ये ग्रीन टी हम पिए तो इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। व्यूअर्स, अभी हमने बस आखिरी दफ़ा पानी डाला है इसके अंदर। अब इसको पानी को हम खुश कर लेंगे। बस जितनी हमें ग्रीन टी चाहिए, जब तैयार हो चुकी है या गाढ़ी हो चुकी है, फिर हम इसको छान लेंगे। उसके बाद हम इसको दूध के अंदर ऐड करके पिंक टी बना लेंगे, कश्मीरी चाय बन जाएगी। व्यूअर्स, ये ग्रीन टी अब कावे की तरह तैयार हो चुकी है। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे, इसको छान लेंगे, फिर आगे बताएँगे इसको कैसे बनाई जाएगी। व्यूअर्स, ये हमने छान के इसके कटोरी के अंदर निकाल लिया है। और अब हम इस 3 कप दूध गर्म कर रहे हैं। हम 3 कप इसकी कश्मीरी चाय के बनाएंगे, इसलिए 3 कप गर्म करेंगे, फिर बाद में ये कश्मीरी चाय ऐड करेंगे, आपको बताएंगे कैसे बनाए। व्यूअर्स, दूध को 2-3 उबाल आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर हंस कर जायका चीनी डालेंगे। और इसके अंदर ये कावा डालेंगे। ये देखेंगे, ये हमारी कश्मीरी चाय तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी है। अब हम डिश आउट करेंगे। ये कश्मीरी चाय हमने कप के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम पिस्ते डालेंगे इसको गार्निश के लिए। वैसे इसके अंदर पिस्ते डलते हैं कश्मीरी चाय के अंदर। बस ये बहुत अच्छी बनी है और आप भी बनाएं।
और पिए, इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।